देश में बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। ये घोटाला जहाज निर्माण कंपनी एबीजी शिपयार्ड द्वारा की गई है। सीबीआई ने एसबीआई की शिकायत पर एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके चेयरमैन व प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। कंपनी व उसके निदेशकों पर एसबीआई के नेतृत्व वाले 28 बैंकों के समूह से 22,842 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। गुजरात के दाहेज और सूरत में एबीजी समूह की यह शिपयार्ड कंपनी पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। अब तक ये कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि एबीजी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ को कथित रूप से धोखा देने का आरोप है। इस घोटाले को देश में बैंकिंग इतिहास तक का सबसे बड़ा घोटाला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी मॉडल लूटो और भगाओ, तीन तथ्य देश के सामने हैं। मोदी सरकार के 7 साल में 53,50,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए। 8,17,000 करोड़ देश की जनता के बैंकों ने बट्टे खाते में डुबाए। 21,00,000 करोड़ बैंकों के एनपीए में इजाफा हुआ। लूटो भगाओ, बैंक लुटवाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 8 नवंबर 2019 को पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कंपनी से जवाब मांगा था। इसके लगभग 5 महीने बाद कंपनी ने नए सिरे से शिकायत दर्ज कराई थी। 18 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को शिकायत दर्ज कराई थी। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार घोटाला करने वाली दो प्रमुख कंपनियों के नाम एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों कंपनियां एक ही समूह की हैं। कंपनियों पर आरोप है कि घोटाले किए गए पैसों को विदेश में भेजकर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। 18 जनवरी 2019 को अर्नेस्ट एंड यंग एलपी द्वारा दाखिल अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच में सामने आया कि कंपनी ने गैर कानूनी गतिविधियों के जरिए बैंक से कर्ज में हेरफेर किया और रकम ठिकाने लगा दी। सीबीआई ने एफआईआर में तत्कालीन कार्यकारी निदेशक शंथनम मुथुस्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी शामिल किए हैं। इन पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात और पद के दुरुपयोग की धारा में मामला दर्ज किया गया है। एबीजी शिपयार्ड भारत में सबसे बड़ी निजी जहाज निर्माण कंपनियों में से एक है, जिसमें 20 टन वजन तक के जहाजों का निर्माण करने की क्षमता है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड विविध व्यावसायिक हितों वाली कंपनियों के एबीजी समूह का एक हिस्सा है। 1985 में स्थापित इसका मुख्यालय मुंबई में है। गुजरात में सूरत और दहेज में इसका जहाज निर्माण कार्य है। अक्टूबर 2010 में वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण के बाद ये गोवा में एक जहाज मरम्मत इकाई संचालित करता है, जो भारत में सबसे बड़ी जहाज रख रखाव सुविधा है।